कभी रूठना, कभी मचलना, कभी खिलखिलाकर हंस पड़ना, कभी कूदना, कभी फुदकना, कभी चिड़ियों संग बातें करना, दिन भर खेल खिलौना साथी, भागम दौड़ी कभी न थकना। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी के प्रारंभिक बाल शिक्षा एवं देखभाल में इन बातों को बहुत महत्व दिया गया है। और इस महत्वता को समझने के लिए हमें ECCE के कॉन्सेप्ट को समझना अति आवश्यक हो जाता है। नमस्कार, मैं शिल्पा आप सबका स्वागत करती हूँ NCERT के लाइव फोन इन प्रोग्राम में। और आज के कार्यक्रम का चर्चा का विषय है अवेयरनेस ऑन ECCE। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है रितु चंद्रा जी, जो कि NCERT के प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सह प्राध्यापक के पद पर कार्यरत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में रितु जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ECCE के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से। रितु जी, जैसा मैं समझ पा रही हूँ, ECCE एक अब्रीविएटेड टर्म है, तो अगर आप इसको हमें इलाबोरेटिव फॉर्म में बता सकें, इसका अर्थ हमें समझा सकें। देखिए, ECCE जो क्वेश्चन आपने पूछा है, बहुत सारे लोगों को ये टर्म्स पता है, काफ़ी को नहीं भी पता है। ECCE जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इसमें एक तो केयर पार्ट, अर्ली चाइल्डहुड केयर, केयर जो सी लगता है वो केयर पार्ट के लिए लगता है, और एजुकेशन जो लास्ट है ई, वो एजुकेशन पार्ट के लिए लगता है। ये इसलिए लगता है क्योंकि ये जो अवस्था है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये कंसेप्शन से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को हम कहते हैं, जिसको कि हम सब डिवाइड भी करते हैं, जिसको सब स्टेजेस में भी हम बांटते हैं। एक होता है कंसेप्शन से बर्थ, जिसमें भी हम केयर, माँ की देखभाल, माँ की केयर और बच्चे की केयर करते हैं। दूसरी जो स्टेज है, सब स्टेज है इस अवस्था की, उसको हम कहते हैं, वो होती है बर्थ से 3 साल तक की, बर्थ टू 3 ईयर्स ऑफ एज, जिसमें कि फिर हम केयर और स्टिमुलेशन पर फोकस करते हैं रादर देन एजुकेशन एंड लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन। जैसे एडजस्टमेंट, स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है, उन चीज़ों को पर भी हम फोकस करते हैं। बच्चे टॉयलेट ट्रेंड हो जाए, इस पर फोकस करते हैं। उनकी हेल्थ अच्छी हो, एक्टिव हो, ये सारे स्टिमुलेशन पार्ट पे हम बात करते हैं, प्लस हेल्थ एंड हाइजीन, हाइजीन पार्ट पे भी हम बहुत ध्यान देते हैं, इसलिए वहाँ पर हम केयर पार्ट को लेते हैं। दूसरा जो, तीसरी जो सब स्टेज है वो होती है एजुकेशन की, जो कि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। आप चाहे तो इस स्लाइड पे हमने इनको बनाया हुआ है, इनको दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को, जिससे उनको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। और इस जो 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था में, क्योंकि 3 साल का बच्चा प्री प्राइमरी सेंटर जाने लगता है, तो वहाँ पर उनको एजुकेशन पे फोकस करना होता है, साथ ही साथ उनके ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं फिजिकल, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, और उनकी भाषा का विकास, कम्युनिकेट कर सके अपनी बातों को, और फॉर्मल लर्निंग जो कि क्लास 1 से स्टार्ट होती होनी, वो इनफॉर्मल चाहिए बट थोड़ी सी फॉर्मल, बिकॉज बच्चे अब एक करिकुलम, प्रॉपर एक सेट करिकुलम में जाते हैं, बच्चे कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, थोड़ा उनका सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिफरेंट हो जाता है। तो उस सारे जो बातें हैं, उन सब चीज़ों की तैयारी हम प्री स्कूल लेवल पे करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केयर पार्ट निगलेक्ट होता है, पर हम वहाँ कवर करते हैं, बट फोकस जो होता है वो एजुकेशन पार्ट पे होता है। तो इस तरह से ये जो ECCE है वो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है बच्चे की लाइफ की, जिसमें उनकी केयर और एजुकेशन पर फोकस किया जाता है। तो हमारा जो ये अवेयरनेस का जो इनिशिएटिव है, वो हमने ECCE को ही कवर किया है, ताकि केयर पार्ट निगलेक्ट कहीं ना हो जाए। रितु जी, यहाँ पे मेरे दिमाग में 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इसको किस ऑब्जेक्टिव के साथ, मतलब ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो, उसके लिए ECCE का मतलब इस्टेब्लिश किया गया। हाँ, ECCE में जैसे हम कहते हैं कि केयर पार्ट, लेकिन हमारे NCERT का जो एक ये है, मोटो है कि हमें एजुकेशन पे, हम एक एजुकेशन पार्ट को ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्री प्राइमरी एजुकेशन पे ही ज़्यादा हमारा फोकस रहता है। तो उस केस में आप जैसे आप हमारी स्लाइड पे भी देख सकते हैं,
हमने ये पूरा बताया है कि ईसीसी जो है वो हमारा बच्चे की बहुत ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सहायक होता है, साथ में बच्चे की जो बेटर एडजस्टमेंट है क्लास में उसके लिए सहायक होता है। ये ना केवल इन चीज़ों के लिए सहायक होता है बल्कि बच्चों की जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं उनको भी प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन पे कम करता है। तो इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्री प्राइमरी एजुकेशन का ज़्यादा महत्व है। और यही दो बातें मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा आपको तैयार करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, दूसरा आपको तैयार करता है फॉर्मल स्कूलिंग में एडजस्टमेंट के लिए। और इसके लिए हमने तीन गोल सेट किए हैं अपने। पहले गोल में हम ये चाहते हैं कि बच्चा एक हेल्दी बीइंग बने, उसको हाइजीन की प्रैक्टिस हो, सेल्फ हेल्प स्किल्स आए, फिजिकली एक्टिव हो। सेकेंड जो हमारा गोल आता है उसमें हम ये चाहते हैं कि बच्चा एक अच्छा कम्युनिकेटर बने, अपनी बात को कह सके, बता सके, तभी तो वो क्लास वन में जाके एडजस्ट होगा। तीसरा जो हमारा गोल है वो है कि एक्टिव लिसनर हो, उसके लिए उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग हो, रीजनिंग की कैपेसिटी बच्चे के अंदर डेवलप हो। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव को हमने ध्यान में रखा है प्री स्कूल एजुकेशन पे। ऋतु जी, आपने थ्री स्टेजेस की बात की जी, और उसमें आपने सिक्स ईयर मेंशन किया कि हम बच्चों की 6 साल तक, मतलब हम उसको कंसिडर करते हैं क्रिटिकल एज। तो ये 6 साल को क्रिटिकल एज कंसिडर क्यों किया जाता है? क्रिटिकल एज इसलिए कंसिडर करते हैं कि आपने बॉर्नविटा का एक एड देखा होगा टीवी में आता है, जो कहते हैं कि 5 और 6 साल की वर्ष की अवस्था तक बच्चे का के ब्रेन का विकास 90% हो जाता है। तो बॉर्नविटा की क्वालिटी कितनी अच्छी है वो मुझे पता नहीं या कितना वो सटीक है, पर हाँ उनकी वो बात बहुत सटीक है और ये बिल्कुल प्रूवन है कि ब्रेन रिसर्च, न्यूरोसाइंस की जो रिसर्चर्स है वो ये कहती है बहुत प्रूफ के साथ कि बच्चे का जो ब्रेन का विकास है, जो न्यूरॉन के कनेक्शंस हैं, वो कनेक्शन आपके 5 साल से 6 साल की अवस्था तक बन जाते हैं। तो इस समय मैक्सिमम जो आप इनपुट देंगे वो बच्चे के न्यूरॉन कनेक्शंस को बनाने के लिए, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के को बनाने के लिए, और इसके इससे इसका जो एंड रिजल्ट होता है कि उनकी लर्निंग फास्ट और अच्छी होती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उसको क्रिटिकल, हाँ क्रिटिकल ईयर्स कहते हैं। और क्रिटिकल ईयर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हर चीज में बच्चे को इनपुट की जरूरत होती है, चाहे वो उनका लैंग्वेज हो, चाहे वो उनकी कम्युनिकेशन एबिलिटी हो, चाहे वो उनका कॉग्निटिव एबिलिटी हो, चाहे उनकी फिजिकल एबिलिटी हो, हर तरह से बच्चा बढ़ रहा है। और जो ये ईसीसी खासकर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को डेडिकेटेड है, तो मैं समझना चाहूंगी एक अच्छे ईसीसी ई प्लान को हम किस वे में कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि वो वेल डिजाइंड है? वेल डिजाइंड अगर आप कहेंगे ईसीसी प्रोग्राम हो, तो इसमें पहली बात है कि एक्सेस होना चाहिए। नंबर वन, एक्सेस का मतलब है कि हर बच्चे तक प्री स्कूल एजुकेशन पहुंचे। जैसे दिल्ली में ही आप देख लीजिए, अगर एमसीडी स्कूल्स या दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स की बात करेंगे, सब में प्री प्राइमरी एजुकेशन नहीं है। आंगनवाड़ी में भी जो चल रहे हैं उनकी, वो भी कहीं ना कहीं जो उनका ऑब्जेक्टिव है, एक उनकी 6 सर्विसेज में से एक सर्विस है प्री स्कूल एजुकेशन देना, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो भी कहीं ना कहीं डिफर हो जाता है क्योंकि हम ज्यादा फोकस करने लगते हैं केयर पे, और ऑब्जेक्टिव भी आंगनवाड़ी सेंटर का वही है। लेकिन अब जैसे जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, जैसे जैसे हमारे 5 ईयर्स प्लान में बातें आ रही हैं, चीजें चेंज हो रही हैं, और एक हो गई, और अब हम क्वालिटी पे ध्यान देने लगे हैं। तो एक हो गई एक्सेस की बात, पहले उनको एक्सेस होना चाहिए, दूसरा उनको क्वालिटी, अगर एक्सेस है, स्कूल है, लेकिन वहाँ क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो क्वालिटी किन सम टर्म्स में मेंटेन होनी चाहिए? उनके पास एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उनके पास जितनी भी फैसिलिटीज है होनी चाहिए, उनके पास एक अच्छा करिकुलम होना चाहिए, और साथ ही साथ एक अच्छा टीचर होना चाहिए जिसकी कैपेसिटी बिल्ड हो, ट्रेन टीचर हो, क्वालिफाइड टीचर हो और डेडिकेटेड टीचर हो। तो ये तीन जो मुद्दे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ बाकी मुद्दे भी हैं, पर अगर इन तीनों पे हम फोकस कर लें तो बहुत अच्छा होता है। और साथ ही जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है या हायर लेवल के ऑफिशियल्स हैं जिनके अंडर ये स्कूल्स रन होते हैं, उनको मॉनिटरिंग और सुपरविजन सिस्टम अगर उनको अपना स्ट्रॉन्ग कर ले, तो शायद ये तीनों ही बातें बहुत अच्छे तरीके से फिल होंगी और कहीं ना कहीं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी। सो रितु चंद्रा जी, वाइल आवर कन्वर्सेशन यू मेंशन दैट प्री स्कूल एजुकेशन इन ईसीसीई, सो व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट? Why you have included preschool education particularly? As I already said that early childhood care and education covers the education part. So that's why preschool education is included in that, and the focus is to make children healthy and develop them holistically and also prepare them for formal learning. So okay. That's why it is
already included because this is a kind of stage which is well defined stage of early childhood education. Later on, the stage is late childhood, which starts from 6+. 6+. Yes. Okay. And what are the further areas of concern included in ECCE? There are so many concerns. Okay. First, I told you that like we don't have access to the education system. Hamara ek slide bhi hai, aap usko dikhana chahe. जिसमें हमने दो एरियाज मेंशन भी किए हुए हैं कि इनएक्सेसिबिलिटी यस मेजर इनएक्सेसिबल है हमारा प्री स्कूल एजुकेशन जो है अभी इनएक्सेसिबिलिटी है हमारा जो नेशनल सर्वे है एनसीईआरटी का और न्यूपा भी नेशनल सर्वे करती है एजुकेशन का जिसमें आप एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है पर इतनी नहीं बढ़ी है जितनी अभी बढ़ जानी चाहिए थी इतने साल आज़ादी के हो गए हमारे इतने सारे काम हो गए एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन पॉलिसी बन गई 1986 में नई बन के आ रही है स्टिल प्री स्कूल एजुकेशन पे अभी भी फोकस दिया जा रहा है पर उतना नहीं गया है तो इसलिए इनएक्सेसिबिलिटी है दूसरा अनइवन क्वालिटी है जहाँ एक्सेसिबल भी है तो वहाँ क्वालिटी अच्छी नहीं है और उसके दो कारण हैं उसके दो कारण ये हैं कि पहला तो ये है कि जितने भी उनके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उसमें बहुत ह्यूज वेरिएशन है उनके सर्विसेज प्रोवाइड करने में और सर्विसेज प्रोवाइडर्स भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं तीसरा जो दूसरा मुद्दा है वो है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट एप्रोप्रिएट प्री स्कूल एजुकेशन या ECCE की प्रैक्टिसेज हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों के बीच और वो लोग कौन हैं वो दो तरह के लोग हैं एक वो है जो कम्युनिटी मेंबर हैं टीचर्स हैं पेरेंट्स हैं चाहते तो हैं बहुत कुछ करना पर कर कुछ नहीं पाते बिकॉज उनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि किस तरह से बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए किस तरह से बच्चे की केयर करनी चाहिए कहीं एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग अभी तक बनी नहीं दूसरे वो लोग हैं जो पॉलिसी मेकर हैं और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं कुछ तो बहुत अवेयर हैं प्रोएक्टिव हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि वो उस चीज़ की महत्ता को जानते ही जानना चाहते हैं पर शायद वो कभी उनको वैसा माहौल नहीं मिला या कैसा मौका नहीं मिला या सोचने का कभी ऐसा मौका आया ही नहीं तो वो दो तरह के लोग होते हैं जिनको कि हम कहते हैं कि उन सबके अंदर एक अप्रोप्रिएट या एडिक्वेट ECCE प्रैक्टिसेस की इंफॉर्मेशन नहीं है शायद उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिले तो इस दिशा में अपना अपने रोल को उनको ये भी शायद अभी बहुत अच्छे क्लैरिटी से नहीं पता है कि उनका रोल क्या है उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे के जीवन में उनके विकास में उनके एजुकेशन में तो ये दो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और यही क्वालिटी और एक्सेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जैसे कि आपने बताया ECCE क्यों वैल्यूबल है उसकी इंफॉर्मेशन क्यों होनी चाहिए तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ECCE के अंतर्गत किस प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं लोगों को अवेयर करने के लिए हाँ इस जब हमने एक्चुअली इनिशियली क्या हुआ मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े और आप जब ECCE में NCERT में आप ECCE पर ही काम करते हो इसी एरिया यही एरिया ही आपको मिलता है तो आप उस दिशा में बहुत कुछ सोचते हो देखते हो मौके मिलते हैं लोगों से बात करने के मौके मिलते हैं तो पहला एक है कि हमारा मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस दूसरा मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े और तीसरा लोगों से डिस्कस किया चौथा काफ़ी सारी रिसर्च स्टडीज हुई हैं होती बहुत सालों से रही पर मैंने 2000 से लेके सन 2000 से क्योंकि उस समय यूनेस्को की रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी प्री स्कूल एजुकेशन पे फोकस बहुत सारा था डकार फ्रेमवर्क आया था तो मुझे लगा कि उसके बाद जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं वो बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं तो हमारा एजुकेशन फॉर ऑल की जो GMR रिपोर्ट्स है यूनेस्को से ही निकलती है तो मुझे लगा वो सारी इतना सारा फोकस ECCE पे हो रहा है तो अब आने वाली जो रिसर्चर्स है एक तो वो रिसेंट होंगी नंबर टू वो बहुत फोकस्ड होंगी तो करीब 33 रिसर्च स्टडीज ऑल ओवर इंडिया में जो मुझे मिल पाई जो मैं एक्सेस कर पाई मुझे लगा देखे तो हैं क्या मुद्दे मुद्दे आखिर क्या हैं जो कि जनरलाइज मुद्दे हैं हर स्टेट के हर रीजन के अपने एक अलग मुद्दे होते हैं लेकिन एक ओवरऑल इंडिया में हम नेशनल लेवल पे बैठे हम क्या सोच हमें क्या पता चलता है हम क्या सोचते हैं और हम कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो बात को ध्यान में रखते हुए 33 स्टडीज को जब रिव्यू किया तो कुछ मुद्दे निकल कर आए और वो मुद्दे हमने रिव्यू किए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये जनरल मुद्दे हैं कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है दिल्ली के स्कूल्स देख लीजिए MCED स्कूल्स बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन आप किसी और स्टेट में जाएंगे तो मुद्दा बदल जाता है सिचुएशन बदल जाती है इसी तरीके से टीचर ट्रेनिंग NCT से अप्रूव होना चाहिए टीचर ट्रेनिंग आपका टीचर्स उनके नॉर्म्स के हिसाब से ट्रेन होनी चाहिए तो ये सब चीज़ें अभी नहीं हो रही है अगर ट्रेंड है तो हमारे पास जो सिस्टम है ट्रेनिंग का वो ठीक नहीं है
जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कितने ट्रेंड हैं, चलो ट्रेनिंग भी हो गई, स्कूल में टीचर जा रही है, पर उनकी क्या मॉनिटरिंग ढंग से हो पा रही है, क्या टीचर मोटिवेटेड है? सबसे बड़ी बात तो टीचर मोटिवेशन की है, क्या वो मोटिवेटेड है, क्या फंडिंग अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें हैं मुद्दे जो हमारे हैं। और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए एक अवेयरनेस जनरेशन, मुझे लगा कि शायद हम आपस में, हम सबके बीच कुछ अवेयरनेस की कमी है, और वो इसलिए है क्योंकि शायद हमें भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है अच्छी इन्फॉर्मेशन की जो कि अवेलेबल है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, आपको पता ही होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए थे 2013-14 के बीच में, एक नेशनल ECC पॉलिसी बनी थी, बहुत ही अच्छी पॉलिसी है जिसमें सारे मुद्दों पे बात करी गई है। और शायद आज़ादी के बाद, हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनने के बाद, ये एक पहला प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे एक अच्छा इनिशिएटिव है। उसके साथ सीरीज में एक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क बना था, और जिसमें कि एक करिकुलम कैसा हो उसका एक विजन था, और उसमें असेसमेंट सिस्टम जिस पर हम कभी बात नहीं करते, हम सोचते हैं बच्चों का असेसमेंट कैसे करोगे, लिखवा नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, तो करोगे कैसे, तो उसपे बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट किया गया है। साथ ही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, अगर हम एक स्कूल में स्कूल को, प्री स्कूल को सेट करना चाहते हैं, किसी सी सेंटर को सेट करना चाहते हैं, तो वो कैसा हो, एक आइडियल प्री स्कूल सेंटर कैसा हो, उस पर बात हुई। इसके साथ ही साथ असेसमेंट कार्ड्स बनाए हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, साथ ही उन्होंने जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं, अब 5 ईयर प्लान्स में भी बहुत बात होने लगी कि आंगनवाड़ी सेंटर्स को वाइब्रेंट आंगनवाड़ी सेंटर बनाया जाए, तो कैसे बनाया जाए उस पर भी बात की है। तो 11th और 12th 5 ईयर प्लान्स भी इस पर बहुत क्लियरिटी से बात करते हैं। तो इसी की सीरीज में NCERT भी पीछे नहीं है, हाँ जी, हम करिकुलम बनाते हैं और हमने करिकुलम बनाया भी। हमारी एक दर्शक अमित कुमार साहू जी का ये सजेशन है कि ECCE से रिलेटेड कभी भी इस टॉपिक को सीरियसली नहीं लिया जाता है और कभी भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ साहू साहब आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार के इनिशिएटिव NCERT और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है ECCE के कंसिडरेशन में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आप क्या दिखा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, आप खुश हो जाइए क्योंकि ये मैं दिखाने ही वाली थी, ये प्री स्कूल करिकुलम बनाया हुआ है हम लोगों ने, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो करिकुलम फ्रेमवर्क सजेस्ट किया है, इसके साथ ही जो एक्सपर्ट्स हैं नेशनल लेवल के जिन्होंने बहुत काम किया है इस दिशा में और बहुत अपने 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 करिकुलम भी बनाया, उन्होंने शेयर किया था। साथ ही इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये करिकुलम फ्रेमवर्क, द प्री स्कूल करिकुलम बनाया है NCERT ने, और ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, ये ड्राफ्ट फॉर्म में है, लेकिन अभी बहुत जल्द हम इसको लॉन्च कर देंगे तो शायद ये सब तक पहुंच पाएगा, और ये बहुत ही यूजफुल है, आप इसे देखेंगे और आप खुश होंगे कि जो आपका कंसर्न है वो हमने कोशिश की है कि एड्रेस करें। दूसरा, इसी के साथ सीरीज में हमने जो एक और डॉक्यूमेंट बनाया है, गाइडलाइंस फॉर प्री स्कूल एजुकेशन, ये गाइडलाइंस भी इसी सीरीज का पार्ट है जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि एक आइडियल प्री स्कूल एजुकेशन कैसा होना चाहिए, हर एक बात का ध्यान रखा है, जैसे अभी बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो मेजर कंसर्न है, जो हम जिस पर हम कभी कोई बात नहीं करते, कभी ध्यान नहीं देते, और आज आने वाले टाइम पे CCTV कैमरे की बहुत जरूरत हो गई है, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स की बहुत जरूरत हो गई है, साथ ही हेल्थ हाइजीन भी हम बहुत नेग्लेक्ट करते थे, हम हमेशा एजुकेशन एजुकेशन करते थे, लेकिन इस गाइडलाइन के थ्रू आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि अगर आप एक स्कूल सेंटर करना चाहते, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो किस तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी प्रिकॉशंस होने चाहिए ताकि प्रद्युमन जैसा केस दोबारा ना हो। तो एक बहुत सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, आप ये भी वेबसाइट पे अवेलेबल है ड्राफ्ट फॉर्म में, ये भी लॉन्च होगा साथ ही और सबको पता चल जाएगा और हम स्टेट में भी भेजेंगे। ये NCERT की वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन आप टाइटल डालेंगे गाइडलाइंस फॉर EYE, पहले ये EYE के नाम से था, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो हो सकता है कुछ दिनों में हम इसको फाइनल ड्राफ्ट फॉर्म में डाल दें और इसी टाइटल से आपको ये एक्सेस हो जाएगा। ओके, और रितु चंद्रा जी, ऐसा कब रियलाइज हुआ कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है या किसी अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत है? ये इसी वही दो मुद्दे, एक्सेस और क्वालिटी की कमी की वजह से ऐसा लगा, और पेरेंट्स से सबसे इंटरेक्ट करने की वजह से लगा, क्योंकि पेरेंट्स प्री स्कूल लेवल पे कहते हैं इंग्लिश में पढ़ाई करो, लैंग्वेज पे बहुत फोकस है, रादर देन अंडरस्टैंडिंग की।
तो कुछ मुद्दे थे जो मैंने आपको बताया कि तीन चार तरह की जो स्टडी करी मैंने, और हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी रिसर्च स्टडीज करी, हमारे डिपार्टमेंट में भी कुछ लोग हैं जो बहुत ईसीसी पे इंटेंसिवली काम करते हैं, और उनके एक्सपीरियंसेस से भी जाना, तो लगा कि क्यों ना एक पहल करी जाए. और इस पहल को सोचा हमने, लेकिन जब हमने नेशनल पॉलिसी ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पढ़ा जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बनाई थी, उसमें भी बहुत क्लैरिटी से आर्टिकुलेट किया है उन्होंने. 11 कंसर्न एरियाज आइडेंटिफाई किए कि अगर हम प्री स्कूल एजुकेशन को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं इंडिया में, उसकी एक्सेसिबिलिटी और क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, वी नीड टू फोकस ऑन 11 क्वालिटी एरियाज, 11 फोकस एरियाज. उसमें जो पांचवा फोकस एरिया था वो था अवेयरनेस जनरेशन. Okay. और उसको कैसे करना है, सिर्फ दो लाइन में लिखा हुआ था कि आप उसको करने के लिए फोक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का यूज कर सकते हैं. तो हम सोच ही रहे थे, और तब तक वो डॉक्यूमेंट भी हमने पढ़ लिया. Okay. और 13 में बनी वो पॉलिसी, और 14 में हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया. तो एक हमने तो अब तक क्या सफलता मिल पाई है, अब तक सफलता ये मिल पाई है कि शुरुआत में हमने एक ये फिल्म बनाई थी. Okay. 2013 में शायद पॉलिसी के साथ साथ बनी होगी, हमारी सोच पैरेलल हो रही होगी. इसमें इस खुला आकाश फिल्म में सबटाइटल्स भी हो रखे हैं, इसके इंग्लिश में हैं, और ये सीआईटी हमारे एनसीईआरटी के साथ कोलैबोरेट सीआईटी के साथ कोलैबोरेशन में बनाई थी 2013 में, और ये सेल्स काउंटर में भी अवेलेबल है, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ये एनसीईआरटी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, एनीबॉडी कैन एक्सेस. इसमें जितने भी क्वालिटी कंसर्न्स हैं वो आर्टिकुलेट किए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से. 18 मिनट की ये वीडियो है, तो हमें लगा चलो क्यों ना इससे स्टार्ट करते हैं. 2014 का प्रोग्राम. फिर लगा कि सिर्फ फिल्म से काम नहीं चलेगा, हमको सुनेगा कौन, तो हमें लगा कि हम कुछ कैप्शंस बना लेते हैं, कुछ पोस्टर्स बना लेते हैं हाथ से ही, और कुछ ड्रामाटाइजेशन कर लेते हैं, और एक पपेट शो बना देते हैं, पपेट शो भी कर लेते हैं. तो कुछ स्क्रिप्ट बनाई, और ये एक पपेट है, ये आप बहुत तो लोगों ने जो कि ट्रेडिशनल मीडिया का जो कि ट्रेडिशनल मीडिया का पार्ट है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक हो गया, और हमने प्रिंट बना लिया क्योंकि पोस्टर और हमने बैनर्स बना लिए हाथ से खुद, रिसोर्सेज नहीं थे, कुछ नहीं था, तो और ये हमारा फोक मीडिया हो गया. आप ये देख पा रहे होंगे. नमस्ते, हम आज डिस्कस कर रहे हैं अवेयरनेस जनरेशन ऑन ईसीसी. आप सभी का स्वागत है. बहुत ही बेहतरीन. तो इस तरीके से हमने बनाया, शुरुआत ऐसी थी, और हमने उत्तराखंड और दिल्ली में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए कम्युनिटी में, जिसमें 17 स्टेट से लोगों का पार्टिसिपेशन था जो ईसीसी फंक्शनरीज थे, क्योंकि हम ये काम अकेले नहीं कर सकते थे, तो हमने उनको इनवाइट किया कि आप हमारे साथ हाथ बटाएं, और साथ में अवेयर भी करने की कोशिश थी कि जितने भी ईसीसी फंक्शनरीज हैं ऑल ओवर इंडिया में जो आप आए हमारे प्रोग्राम में, एक तो उनको साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाना, और एक ही लेवल पे उनको लेकर आना कि हम जो सोचते हैं वैसा ही क्या आप भी सोचते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हमारी टीम में शामिल हो जाइए, और चलते हैं कम्युनिटी में और करते हैं प्रोग्राम. तो इस तरह से हमने प्रोग्राम किया अवेयरनेस जनरेशन का 2014 और 15 में. आप हमारी अगर स्लाइड दिखा पाएंगे तो उसमें हमने कुछ फोटोग्राफ डाली हैं जिससे सबको पता चल जाएगा हमने किया क्या. ये जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमने शुरुआत की थी अवेयरनेस रैली से, चाहे वो पॉलिसी मेकर हो, मैंने आपको बताया, और चाहे वो कम्युनिटी मेंबर हो, पेरेंट हो, सबको एक मैसेज की जरूरत पड़ती है ताकि उनका इंटरेस्ट हमारी तरफ खिंच जाए, हम करने क्या वाले हैं. क्योंकि आप शुरुआत करते हैं, आपको रिजल्ट नहीं पता होता है, आपने एक पहल करी है कि चलो पॉलिसी ने बोला हम भी यही सोचते हैं, करके देखते हैं. तो ये करके देखने वाली पहल में हमने रैली से स्टार्ट किया. एक हमारी फोटोग्राफ दिल्ली की रैली की है, दूसरी उत्तराखंड की. फिर उसके बाद हमने सोचा, रैली के साथ साथ हमारे पीछे पीछे लोग चलने लगे कि हो क्या रहा है, कुछ बच्चे कुछ लोग. और उसके बाद हमने लगा कि जो घरों की औरतें हैं उनको निकालना जरूरी है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में उनका निकलना मुश्किल होता है. तो हमने डोर टू डोर जाकर भी उनको अवेयर करने की कोशिश की, और उनको घरों से बाहर निकालने की कोशिश की, और लोग आए भी. आप देख सकते हैं कि काफी इस डिफरेंट स्टेट के लोग हैं हमारे साथ, हमारी टीम में. आप जम्मू कश्मीर से हैं और नॉर्थ ईस्ट से लोग हैं, तो जो जिस कम्युनिटी का था वो उन्होंने उस कम्युनिटी में जाकर लोगों को हमारे पंडाल तक लाने की कोशिश की. तो महिलाओं का सच में सहयोग मिला, बहुत मिला. आप आगे की फोटोग्राफ्स अगर चलाएंगे तो देख पाएंगे कि इसमें महिलाएं ही बैठी हैं ज्यादातर. हाँ जी. और इसमें हमने जब प्रोग्राम किया कम्युनिटी में, तो सबसे पहले हमने अपना वेन्यू सजाया. एक स्कूल हमें मिल गया रिक्वेस्ट पे,
और ये जो दूसरा जिसमें पीले रंग का पर्दा लगा हुआ है और एक खड़े होकर एंकरिंग कर रहे हैं, ये वाला जो है, ये जो हमारा वेन्यू है, ये दूसरा वेन्यू है, ये है हमारा अच्छी का ये चौपाल थी जिसको हमारे प्रोग्राम के बाद उन्होंने फ्री कर दिया कि आप कभी भी चाहे तो ऐसे प्रोग्राम करिए, और ये तो बहुत यूजफुल है हमारी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और हम सब के लिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो आप भी, वो उन्होंने ये बोला जो लोकल लीडर थे, उन्होंने ये कहा कि आप इस प्रोग्राम को करने के लिए कभी भी करना चाहें, हमारा चौपाल आपके लिए फ्री है। तो लोगों का सहयोग मिला। साथ ही अगर आप और दिखा पाएंगे तो देखिए, जब हमने प्रोग्राम किया तो हमने कम्युनिटी के साथ डिस्कशन भी किया कि वो उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बच्चों किस तरह की प्रॉब्लम आई कम्युनिटी से? उनको मेन जो लेडीज थी उनको मेन था कि बच्चों की हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज थे, कैसे पालन पोषण करना है, उनका मेजर फोकस तो उसी पे था। लेकिन इसके साथ साथ कुछ स्कूल टीचर्स भी आई, अपने बच्चों को भी लेकर आई, स्टूडेंट्स को भी, उनका कंसर्न था जैसे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, स्लो लर्नर हैं, तो उनके साथ हम कैसे डील करें, हमें ट्रेनिंग करनी हो तो हम क्या करें, और कैसे हम कम रिसोर्सेज में बच्चों को ज़्यादा पढ़ा पाएं, कर पाएं। तो इस तरह के कुछ मुद्दे थे जिन पे बात की। ओके, यहाँ पे हमारे एक YouTube के दर्शक हैं खुशी सिंह जी, उनका एक प्रश्न आया है। ECCE क्या प्राइमरी एजुकेशन से कनेक्टेड है? पॉलिसी परस्पेक्टिव से There should be a bridge between early education, childhood education and primary education. हम तो ये कहते ही हैं, हम तो हमेशा यही कहते हैं, और जब आप ये हमारा करिकुलम और गाइडलाइन पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको ये ड्राफ्ट, मुझे लगता है सभी को डाउनलोड अप कर ही लेना चाहिए, हम इसको अपलोड कर देते हैं, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि लिंकेज के बिना कोई एजुकेशन पूरी नहीं है। और हम इंटीग्रेटेड 4 ईयर्स ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं जिसमें कि हम क्लासेस 1 और 2 को भी इंक्लूड करते हैं, ऐसा सोच है। और उस सोच को ध्यान में रखते हुए फिजिकली नहीं, पर हमने कोशिश की है कि उसको हम लर्निंग आउटकम के थ्रू एटलीस्ट उसको हम लिंक करें। तो पहला सजेशन, जब हम गाइडलाइंस की बात करते हैं तो गाइडलाइंस में हम ये कहते हैं कि जितने भी प्री स्कूल सेंटर्स हैं उसको प्राइमरी के साथ अटैच होना चाहिए फिजिकली। फिजिकली नहीं है तो आप उसको एकेडमिक टर्म्स में तो कर ही लें इनिशियल स्टेज पे, लेटर ऑन आपके उस जो प्राइमरी स्कूल सेंटर है या जो भी फॉर्मल लर्निंग है उसके साथ उसी की ही बाउंड्री के अंदर प्री स्कूल सेंटर होना चाहिए, ताकि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन रहे इन टर्म्स ऑफ पेडागोजी, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ टीचर इन्वॉल्वमेंट, है ना। तो एक तो ये, दूसरा हमने कोशिश की है जो करिकुलम है हमारा प्री स्कूल एजुकेशन में, इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर हमने कुछ लर्निंग आउटकम्स बनाए हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी, अगर अभी भी आपके कुछ सवाल हैं तो आप शो के दौरान पूछ सकते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के थ्रू भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, तो इसमें आप ये देखेंगे कि की कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। की कॉन्सेप्ट्स का मतलब है कि अगर आपका प्री स्कूल 1 का बच्चा है और वो 3 ईयर्स ऑफ एज है, 3+ का है, तो उसको ये कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, जैसे अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ रेगुलेशन। अब इस तरह के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं या स्किल बच्चे के अंदर होनी चाहिए, 3+ से 4+ के, 4 के बीच के बच्चे को, उनको कैसे आप बताएंगे, कैसे आप उनको सिखाएंगे, कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए हमने कुछ पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस दी हुई हैं, पेडागोजिकल प्रोसेसेस हैं। ये पाने के लिए आपको ये करना है, एक टीचर को वो क्या करेगी, जैसे चिल्ड्रन टू नो अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स एंड डिस्टिंग्विश पीपल एंड रिलेशनशिप। सेल्फ अवेयरनेस के लिए ये चीजें आप बताएंगे तो बच्चे को सेल्फ अवेयरनेस होगी। तीसरा है, ये करने के बाद बच्चे को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चे ने सीख लिया, तो ये होते हैं लर्निंग आउटकम्स, जैसे डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इंटरेस्ट एंड जेंडर। तो इससे अगर ये बच्चा ये करता है तो आपको पता चल जाएगा कि वो सेल्फ के लिए अवेयर है, द चाइल्ड इज अ मेल और फीमेल, द चाइल्ड इज बिलोंग्स टू अ फैमिली। ये जितने भी लर्निंग स्किल्स हैं और लर्निंग आउटकम्स हैं, इनको हमने प्राइमरी के साथ लिंक किया है, कहीं डुप्लीकेसी ना हो जाए, जहां डुप्लीकेसी है वहां से हमने, यहां से डुप्लीकेसी हटाकर कोशिश की है कि क्लासेस 1 में जब बच्चा जाए तो उसको वो लर्निंग आउटकम्स रिपीट ना करना पड़े, हम बच्चे को यही तैयार करके भेज रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स तो हमने लिंक कर ही दिया है इस करिकुलम में, जब आप इसको पढ़ेंगे और लर्निंग आउटकम क्लासेस 1 के पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा ये बहुत अच्छे तरीके से वीव किया हुआ है। आप इसको जरूर पढ़ें।
तो समय का अभाव है हमें, तो अब हम इसके कंटिन्यूएशन में एक सेकंड पार्ट बनाएंगे इस एपिसोड का, तो आप हमें लगातार देखते रहे किशोर मंच में और यूट्यूब चैनल में। और आज बड़े ही बेहतरीन तरीके से हमें रितु चंद्रा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से ECCE से जुड़े कॉन्सेप्ट्स को हमें समझाया है। अगर आपके कुछ सुझाव या प्रश्न है तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर या ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, तब तक देखते रहिए किशोर मंच।